उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन कक्ष में संपन्न हुआ। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सरदार परविंदर सिंह ने जिले में कब्रिस्तान के आसपास हुए अतिक्रमण तथा मदरसों की स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने शासन के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि दिसंबर 2020 अल्पसंख्यक युवाओं को 5 लाख तक का ऋण वितरित किया गया तथा केंद्र सरकार के द्वारा 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को 6,000 वार्षिक पेंशन देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं को अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजय पांडियन, DIG SSP जोगेंद्र कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परमिंदर सिंह ने कहा, जो समाज के लिए और ऐसी अगर कोई सिख मिशनरी कभी कॉलेज हो तो आप जरूर एक बार हर चीज जानकारी करते हैं। मेरा ये मानना है कि हम किसी को हैरेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए। तो ये कि अगर जो हमारे मस्जिद है उसके आसपास का इंक्रोचमेंट है या कब्रिस्तान की, हम लोगों को कुछ शिकायतें मिलती हैं कि वहाँ पे वो चूंकि वो कब्रिस्तान मेन शहरों में आ चुके हैं तो वहाँ पे लोग इंक्रोच करके वहाँ दुकानें खड़ी कर लेना या इलीगल इंक्रोचमेंट से उसको बेच देना कुछ करना, तो इस तरह की थोड़ी सी समस्याओं पे आप जरूर मेरी रिक्वेस्ट है। मतलब इस पे है ना कि वक्त थोड़ा मजबूत करिए ताकि है ना वक्त बोर्ड पता नहीं बहुत पहले कभी चला होगा जो भी है, अभी उसको मेंबर भी नहीं है, हां इंस्पेक्टर नहीं, डिस्ट्रिक्ट को अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया। अब हम लोग उसी टाइप का मामला का अंदर तो अधिकार नहीं है हमारा, जो कि वक्फ बोर्ड बना हुआ अलग सेपरेट है, एक कोई अमेंडमेंट हुआ अपना है फिर हाई कोर्ट है, तो हम लोग इंटरफेरेंस थोड़ा सा हम लोगों ने फिर कम कर दिया। अदरवाइज हम लोग अब उस पे ये देखते हैं कि अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन है तो हम लोग इंटरवीन। तो मेरा ये निवेदन है कि एक तो मस्जिद या गुरुद्वारे के पास कहीं इंक्रोचमेंट हो तो उसको प्लीज बोथ ऑफ यूर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो उसको कैसे भी रिमूव कर लें, और कब्रिस्तान पे अगर कोई ऐसा कब्जा आ रहा है या कोई ऐसी चीजें डाइल्यूट करनी थी या कहीं से कहते हैं घुमा के पकड़ना होता है तो आप, तो ये थोड़ा सा मेरा निवेदन है। और बाकी तो आप लोग महाराज जी के संरक्षण में हम लोग की कोई भी वो नहीं है कि हम लोग कुछ कहें। राजेश मोदक जी है आजकल की है सर, जनपद गोरखपुर में आपका आगमन हुआ, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई आज? देखिए यह जो हमारा आगमन था यह अनौपचारिक दौरा था हमारे माननीय सदस्य बख्शीश अहमद वारसी साहब के पुत्र के विवाह के समारोह में हम लोग प्रतिभाग करने आए थे। लेकिन हम लोग आए तो हम लोगों ने सोचा कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों DM साहब और SSP साहब से चर्चा कुछ कर लिया जाए कि जो जिले में एडेड मदरसे चल रहे हैं अन एडेड चल रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है। हम लोगों ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी बुलाया था बैठक के लिए, और साथ ही साथ जो ऐसे कब्रिस्तान की जगह है वहाँ पे कुछ हम लोगों कब्जा वगैरह जैसे कोई चीज़ है तो ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ ऐसी हो जो अतिक्रमण हो रहा हो, तो हम लोगों ने अधिकारियों से बात की और विभिन्न विषयों पे चर्चा हुई, समाज में आपसी प्रेम सद्भाव बना रहे इस निमित्त आयोग ने आज बैठक की है और इसी निमित्त हम लोग आ जाना। सर अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं लाभान्वित? देखिए अल्पसंख्यक आयोग एक स्वायत्त शासी संस्था है और क्वासी जुडिशियल बॉडी है। हम लोग ऐसे अल्पसंख्यकों के किसी भी मानवाधिकार के हनन पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएं, चाहे वो युवाओं के ऋण के लिए युवाओं को ऋण बांटने का हो, जो ऐसी सरकारें जो पूर्व में अपने आप को अल्पसंख्यकों की सरकार बताती थी उनके द्वारा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को बंद कर दिया गया था। पहली बार उत्तर प्रदेश में 500 युवाओं को हम लोगों ने 2020 दिसंबर में 5 लाख रुपया तक का लोन बांटना का कार्य शुरू किया था। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से हमारी ऐसी अल्पसंख्यक बहनें जो समाज में उपेक्षित थी तथा जिनको तलाक 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 कहकर कभी भी घर से निष्कासित कर दिया जाता था, ऐसी बहनों को उनको न्याय मिल सके उसके लिए 3 तलाक का कानून पास किया,
और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि हमारी ऐसी बहनें जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, इनके लिए वार्षिक 6,000 अथवा मासिक 500 रुपया माह का एक मेंटेनेंस का भी हम लोग को देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की नई रोशनी की योजना हो, MSME के तहत उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही स्वयं सहायता समूहों के द्वारा मुस्लिम युवाओं को तथा अन्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार देने की योजना हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, तो कहीं ना कहीं समस्त अल्पसंख्यकों के लिए अनेक हितकारी कार्य किए जा रहे हैं जो पूर्व में कभी नहीं हुए हैं।